नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के आप लोग के इस RRB NTPC और इस ग्रुप डी की क्लास में परीक्षा में जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। और स्पेशली आज के इस वीडियो में वो क्वेश्चन है, जैसे कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आज की आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? कला, खेल, चिकित्सा या शांति? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। बहुत ही सरल क्वेश्चन है परंपरागत पुरस्कार के ऊपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों कला। कालिदास सम्मान कला क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार अंजोली एला मेनन दृश्य कला के क्षेत्र में को प्रदान किया गया था। तो इसी के साथ अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? कला एवं दस्तकारी, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर खेलकूद? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है दोस्तों? दिया जाता है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता था दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, TN शेषन, किरण बेदी, विनोबा भावे? दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता पहले कौन से भारतीय थे? तो ये हमारे थे विनोबा भावे। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन वर्ष 1957 द्वारा स्थापित मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। उन्हें वर्ष 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है दोस्तों। मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में दो भारतीय सहित कुल 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें एक थे सोनम बागानचुक और दूसरे थे भारत बडवानी, जो दोनों ही एक भारतीय हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के उत्कर्ष प्रशिक्षण हेतु, औषधि के सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान हेतु, राष्ट्रीय छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिक को या सर्वश्रेष्ठ पहलवान को? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, औषधियों के सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान हेतु, राष्ट्रीय छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को या सर्वश्रेष्ठ पहलवान को? दोस्तों इसका आंसर होगा खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अर्जुन पुरस्कार। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है दोस्तों? 1.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख या फिर 75,000? अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? तो ये धनराशि जो आपको मिलती है ये मिलती है 3 लाख। अर्जुन पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रदान किया जाता है।
वर्तमान में पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए नगद प्रदान की जाती है, लेकिन प्रशासन काल में इसकी पुरस्कार राशि जो होती है वो होती है सिर्फ 3 लाख रुपए। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? सी वी रमन जी, एच जे भाभा, आर एन टैगोर, मदर टेरेसा। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा एच जे भाभा जी। एच जे भाभा को नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था, जबकि सी वी रमन को वर्ष 1930 में, टैगोर को वर्ष 1913 में तथा मदर टेरेसा को वर्ष 1989 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा एच जे भाभा जी, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न नामों पर विचार कीजिए। आर्क बिशप डेस्मांडू टूटू, लेक बालिसा, सिमोन परेज, यासिर अराफात। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। निम्न नामों पर विचार कीजिए। आर्क बिशप डेस्मांडू टूटू, लेक बालिसा, सिमोन परेज, यासिर अराफात। इनमें से किस किस ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए 1 और 2, बी 1, 3 और 4, सी 3, 4 और 2, और डी है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपका 1, 2, 3, 4 होगा, क्योंकि जी आर्क बिशप डेस्मांडू टूटू, लेक बालेसा, सिमोन परेज, यासिर अराफात, इन सभी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेस्मांड टूटू को वर्ष 1984 में, पोलैंड के लेक वालेसा को 1983 में तथा फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के नेता यासिर अराफात एवं इजराइल के प्रधानमंत्री इजिज्याक रावन और विदेश मंत्री सिमोन परेज को संयुक्त रूप से वर्ष 1994 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा। निम्नांकित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? सुब्रमण्यम शेखर, सी वी रमन, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नांकित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर, सी वी रमन, मदर टेरेसा या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो आंसर है वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय मूल के ये जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जबकि प्रसंगत अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त थी और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे जो कि भारतीय मूल के थे। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, एस चंद्रशेखर, हर गोविंद खुराना। किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के प्रेरिता नॉर्मन बोरलॉग को शांति के नोबेल पुरस्कार से सन 1970 में सम्मानित किया गया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नांकित के लिए दिया जाता है। एथलेटिक्स में उनकी विशिष्टता, खेलकूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि, महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस और पराक्रम, राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे कूट जो दिए हैं 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 1, 4। तो क्वेश्चन हम अपना फिर से देख लेते हैं दोस्तों। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नांकित के लिए दिया जाता है। एथलेटिक्स में उनकी विशिष्टता, खेलकूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि, महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस और पराक्रम, राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान। तो इसका जो आंसर होगा सही दोस्तों वो होगा 3 और 4, क्योंकि महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस एवं पराक्रम तथा राष्ट्र और जनता के लिए उनके योगदान देने के लिए महिलाओं को
स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? स्मिता पाटिल थी, नरगिस दत्त थी, मीना कुमारी थी या फिर मधुबाला थी? तो बताइए इसका आंसर दोस्तों जल्दी से। इसका आंसर है हमारा नरगिस दत्त। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। इन्हें 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्ला खान, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर या फिर राज कपूर जी। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर है राज कपूर। भारत रत्न का सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान को आगे बढ़ाने हेतु की गई विशिष्ट सेवा और जन सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। राज कपूर के अतिरिक्त प्रस्तुत विकल्प में उल्लिखित सभी हस्तियों को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में, उस्ताद बिस्मिल्ला खां को और लता मंगेशकर जी को 2001 में यह सम्मान प्रदान किया गया था। 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य में नानाजी देशमुख को 46वां, भूपेन हजारिका जी को 47वां एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को 48 देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, निम्न में से कौन जो है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? लता मंगेशकर, पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों? तो वो जो थे हमारे पंडित जसराज जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। पंडित जसराज को भारत रत्न नहीं मिला है। लता मंगेशकर तथा उस्ताद बिस्मिल्ला खां को 2001 में और पंडित रविशंकर जी को 1999 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं, आशापूर देवी, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी दोस्तों? ये थी हमारी आशापूर्णा देवी जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी हैं। उन्हें वर्ष 1976 में उनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? नेल्सन मंडेला, विल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर या फिर बोरिस एल्सिन। निम्नलिखित में से किसे विदेशी नागरिक को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों? वो है नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विदेश को प्राप्त समाप्त करने के लिए वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? अमजद अली खान, डॉक्टर कुरियन, रविशंकर, डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल। भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? ये प्रदान किया गया था रविशंकर को। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? 1951 में दिया गया, 1953 में दिया गया, 1954 में दिया गया या फिर 1956 में दिया गया? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों कौन से वर्ष में दिया गया था? ये दिया गया था 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी एवं सी
वी रमन को दिया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में और किस व्यक्ति को प्रदान किया गया। अभी मैंने आपको दोस्तों बताया था, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 1948 में सीवी रमन को, वर्ष 1952 में लता मंगेशकर को, वर्ष 1953 में वी कृष्णमूर्ति को, या वर्ष 1954 में राधा कृष्ण जी को। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी थी इसके पिछले क्वेश्चन में, ये 1954 में दिया गया था राधा कृष्ण जी को। तो इसका जो आंसर होगा डी, वर्ष 1954 राधा कृष्णन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे। गोविंद वल्लभ पंत, एस राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, वो है एस राधा कृष्णन जी, जिन्हें 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया। एस राधा कृष्णन, सी वी रमन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है। APJ अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, अटल बिहारी वाजपेयी या सत्यजीत रे। भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम को वर्ष 1997 में, लता मंगेशकर को 2001 में, सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया, जबकि 2015 में इन्हें भारत रत्न प्रदान कर दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया। JRD टाटा, आचार्य नरदेव, सत्यजीत रे, सी सुब्रह्मण्यम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, आचार्य नरदेव, नरेंद्र देव, इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि JRD टाटा को 1992 में, सत्यजीत रे को 1992 में, और सी सुब्रह्मण्य को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं दोस्तों ये लोग। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1992 में JRD राय टाटा को सम्मान किस सम्मान से अलंकृत किया गया था। 1992 में JRD राय को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था दोस्तों, भारत रत्न से किया गया था, पद्म विभूषण से किया गया था, या पद्म भूषण से किया गया था, या फिर पद्म श्री से किया गया था। तो JRD टाटा को किससे सम्मानित किया गया था दोस्तों, भारत रत्न से सम्मान किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, मालती जोशी, मन्नू भंडारी। व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों, वो थी चित्रा मुदगल जी, ठीक है। इन्हें 2003 में उनकी रचना आवाम के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। मार्च 2019 में KK बिटला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर चगुड़ी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित 28वें व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2013 में प्रकाशित उनकी कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए प्रदान किया गया दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, साहित्य में, सिनेमा में, शास्त्रीय संगीत में, या फिर थिएटर में।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिनेमा में, स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है। स्वर्ण कमल तथा रजत कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को प्रदान किया जाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? फिर से देख लीजिए एक बार, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? अरुंधति राय, सलमान राउ रुशदी, बी एस नायपॉल, झुंपा लहरी। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ये थे बी एस नायपॉल। ठीक है, ये भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं। इन्हें एन ए फ्री स्टेट के लिए वर्ष 1971 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा या स्वीडिश अकादमी द्वारा? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं कौन सी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं? नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा या फिर स्वीडिश अकादमी द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वीडिश अकादमी द्वारा। नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फैसला करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में नॉर्वे की संसद को अधिकृत किया गया था। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? लोक कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य या साहित्यिक आलोचना? चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा शास्त्रीय संगीत। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। ज्ञातव्य है कि रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह ने स्वयं एक अच्छे तबला वादक थे तथा संगीत पर इनकी कई पुस्तकें भी हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान तथा तकनीकी, खेल, सामाजिक कार्य, कला प्रदर्शन? किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है हमारे खेल में। महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना 1982-1983 में हुई। यह पुरस्कार खेल कूद के लिए अर्थात खिलाड़ियों को दिया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? महेश भट्ट को, मीरा नायर को, सत्यजीत रे को या ओपी सिप्पी जी को? निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये जो सम्मान था प्रदान किया गया था सत्यजीत रे को। 1992 में सत्यजीत रे को फिल्मों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? भगवत रावत, फिराक गोरखपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर ज्ञान रंजन? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? वो है फिराक गोरखपुरी। वर्ष 1969 में उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी को उनकी कृति गुले नगमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लियाकत अली खान, एम ए जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद इकबाल? निम्नलिखित में से किस पाकिस्तान नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश पेशावर में 1890 ईस्वी में जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय उपमहाद्वीप में समाजवाद के अंतिम दिनों में विशिष्ट शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध किया। उन्हें बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने वे भारत आए थे। उसके दो वर्ष बाद 1987 में उन्हें
भारत के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय नहीं निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन हमारा ऊपर वाले की तरह है, बस थोड़ा घुमा के दे दिया गया है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैगेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था? खुशवंत सिंह, अरुण शेरी, धर्मवीर भारती या कमलेश्वर? निम्नलिखित पत्रकारों में से मैगेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था दोस्तों? वो थे अरुण शेरी। भारत के सुप्रसिद्ध पत्रकार अरुण शेरी को 1982 में के रेमन मैगेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों।